पहले पहले ये लगता है जब लिखने लगते हैं यार क्या बकवास लिख दिया. नो फर्स्ट पहले लिखोगे आप पहले लगता है बहुत अच्छा लिखा. देन यू रीड इट आई शो इट टू समबडी एल्स बिकॉज़ क्या बकवास लिखा है. देन यू रियलाइज हाँ सच में बहुत बकवास है. बट ग्रेजुअली यू नो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू रियली इंप्रूव इट. वन मोर थिंग एक इनर्शिया रहता है सबसे पहले यार राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ना दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत यू डोंट यू रियली हैव टू पुश योर सेल्फ थ्रू दैट हाँ यार प्रैक्टिस करनी है. बड़ा ये डर रहता है. ऐसा होता है आपके साथ कई सारे लोगों ने मुझे लगता है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की होगी पहला टेस्ट नहीं दिया होगा फिर धीरे धीरे दूसरा भी मिस किया होगा. ओके डोंट डू दैट. फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन यू नो राइट. हाउ मेनी ऑफ यू इंजीनियर्स और साइंस स्टूडेंट्स एवर रेड फ्रिक्शन. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड समथिंग कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड एक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड समथिंग कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक वन. सो जब आप इनिशियली किसी भी चीज़ को अपनी कंफर्ट जोन से पुश करते हैं यू नीड टू पुट इन स्लाइटली ग्रेटर एफर्ट्स राइट. सो दैट ऑल्सो अप्लाइज हियर. अच्छे से जो है अपने आप को कन्विंस करो यार कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बकवास लिख रहा हूँ बकवास लेट इट बी बकवास. बकवास यहाँ पे है ना लेकिन एग्जाम में जब हम जाएंगे इट वोंट बी बकवास इट वुड बी समथिंग रियली गुड. तो ये इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़ जो मैं बोल रहा था जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अपना जो पेपर वन है पेपर वन पहले फुल कंप्लीट करूंगा उसके बाद टेस्ट लिखूंगा. यू नेवर कंप्लीट योर सिलेबस यू नेवर कंप्लीटेड एग्जामिनेशन एक्चुअल एग्जाम के 5 मिनट पहले भी यू विल फाइंड आपने बहुत चीज़ें नहीं पढ़ी हैं. ओके दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू. पढ़ा है नहीं पढ़ा है जब टेस्ट है शेड्यूल्ड टेस्ट है वहाँ जाके लिखिए टेस्ट. ओके इट डजंट एग्जाम में भी वही होगा आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी बट स्टिल यू हैव टू राइट ऑन योर ओन यू हैव टू कम अप विद योर ओन आंसर. ओके सो उस चीज़ को ट्राई टू आइडेंटिफाई इट. अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो ना आपने अच्छे से पढ़ा हो और एग्जाम में आपको बस एकदम यू आर राइटिंग इट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू मेक अप एन आंसर देयर. इसलिए वो मेकिंग अप एन आंसर कमिंग अप विद एन आंसर यू हैव टू डेवलप दैट आर्ट. उसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है इट विल रियली रियली हेल्प यू. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. देन और कुछ चीज़ें हैं जब न्यूज़ पेपर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स समहाउ आई थिंक इट फॉर्म्स समवेयर अराउंड 60% ऑफ योर प्रिपरेशन 60-65%. आई होप आई नो दे विल ऑल्सो अग्री टू इट. करंट अफेयर्स इज रियली हार्ड एंड सोल ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड इट हैज़ टू बी. एट द एंड ऑफ द डे इफ वी एस्पायर टू बी ऑफिसर्स वी शुड बी नोइंग नो वट इज हैपनिंग अराउंड अस वट इज हैपनिंग इन आर कंट्री हाउ गुड आर वी डूइंग इन व्हेन इट कम्स टू आर इकॉनमी वट आर द सोशल इशूज दैट कंसर्न अस वट आर द पॉलिटिकल इशूज ऑफ आर टाइम हाउ इज ग्लोबल इकॉनमी डूइंग वट आर द ग्लोबल क्राइसिस वट आर द ग्लोबल इशूज यू शुड नो अबाउट दैट नो इट्स कॉमन सेंस. अब इसमें एक और डिलेमा आता है. बहुत सारे लोग कहते हैं आई फाउंड वन गाय यस्टरडे कॉलिंग मी सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मुझे 3 घंटे लगते हैं हाउ शुड आई प्रिवेंट दिस वेस्टेज ऑफ टाइम कैन आई रीड सम किसी के नोट्स या कुछ ब्लॉग एट द एंड ऑफ अ मंथ. आई वुड डेफिनेटली से यू नो इस बहकावे में बिल्कुल मत आना. ओके न्यूज़पेपर सबसे पहले एक चीज़ अब कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे इट वोंट बी एज एग्जॉस्टिव एज न्यूज़पेपर्स ऑफ द मंथ राइट. वो हर किसी चीज़ को कवर नहीं करेंगे दिल में पिक अप सम ऑफ द मेजर इश्यूज ऐसा है इज इट सो. सो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे इट्स द स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी दैट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट आप बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज जब आप से कोई चीज़ हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं से हिस्ट्री में कोई इवेंट आप पढ़ते हैं से यू रेड अबाउट समथिंग से ब्रेक डाउन ऑफ बर्लिन वॉल. Okay, so it was an event in history. Now, yeah, fall of Berlin Wall. yes. Okay, so you read it as an account of it, a historical account of it. So it was written by somebody who was present there, who had witnessed it, you know, the pre-happenings and the post-happenings of the event. Then we got an event, no? Ab hume kya karna padta? We have to read it again and try to remember it, right? Ab kai baar lagta hai, yaar, hua hoga ki nahi hua hoga, pata nahi kya hai, koi kuch aur keh raha hai. That, but when it comes to the events that are happening in our time, somehow we are witness to these events. We are part of these events, no? Ab how do we become part of these events? Right? How? By following the news well. Okay, I remember in my school days there was this program, I tell it everywhere, wherever I go. It was called National Children's Science Congress. Okay. इन दिस आपको एक हर साल एक थीम दिया जाता था देन स्टूडेंट्स आर सपोज टू मेक सम प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंट इट. इट हैड अ टैग लाइन एंड समहाउ दिस टैग लाइन ऑलवेज स्टक इन माई माइंड. इट सेज आई रीड ओके आई रीड आई फगेट आई सी आई रिमेंबर आई डू आई अंडरस्टैंड. दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड रीडिंग दोज
मंथली जो भी आपको मिलता है. आई नेवर रेड दोज. आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स फॉर माई करंट अफेयर्स. आई यूज टू रीड टू न्यूज़ पेपर्स एवरी डे एंड आई फाउंड सफिशेंट एंड मे बी अगर किसी चीज़ में जरूरत पड़ा आई कंसल्ट नेट या कुछ चीज़ें दैट शुड सफाइस. बट आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट दैट डोंट डू दिस मिस्टेक. डोंट न्यूज़ पेपर पढ़ना छोड़ना हो. ओके इन फैक्ट इट्स अ हैबिट दैट यू शुड कैरी इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. एंड आई स्टिल ट्राई टू डू कि अभी कुछ ना कुछ न्यूज़ पेपर पढ़ा.